प्रेरणा कथा, उसका गुनाह। महिला जेल अधीक्षक अंजलि अपने दफ्तर में एक स्त्री कैदी से मिलने के लिए बैठी थी। तभी एक लगभग 60 या 65 बरस की दुबली पतली सांवले रंग की स्त्री कैदी ने दफ्तर में प्रवेश किया। उसका नाम कला देवी था। उस कैदी ने अधीक्षक अंजलि को नमस्ते किया। अंजलि ने उस कैदी की फाइल को बहुत ध्यान से पढ़ा था। कला देवी उस जेल में लगभग 25 वर्ष पहले आई थी। उसने अपने बेटे की हत्या की थी। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। पुलिस की रिपोर्ट में लिखा था कि कला देवी का किसी अन्य पुरुष के साथ अनैतिक संबंध था, इसीलिए उसने अपने जवान बेटे को मार दिया था। अदालत में कला देवी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वैसे तो उसकी उम्र कैद की अवधि समाप्त हो चुकी थी, परंतु कला देवी ने कभी भी जेल से रिहाई की अपील नहीं की थी। इतने वर्षों में कला देवी से कोई भी मिलने नहीं आया था। अंजलि जब अधीक्षक बनकर उस जेल में आई तो उसकी कला देवी से मिलने की इच्छा हुई। अंजलि ने कला देवी को सामने पड़ी कुर्सी में बैठने का संकेत किया। कला देवी थोड़ा संकुचाते हुए बैठ गई। अंजलि ने उससे पूछा, इन 25 वर्षों में क्या तुमको तुम्हारे घर की कभी भी याद नहीं आई? कला देवी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, जेलर साहिबा, अब कौन सा घर, किसका घर, वहाँ अब क्या बचा होगा? मेरे पति तो मेरे जेल आने से पहले ही मर गए थे। एक ही बेटा था और उसको मैंने अपने ही हाथों से मार दिया। कुछ नहीं है अब उस घर में। अंजलि ने कहा, क्या तुमको अपने बेटे की हत्या करने का अफसोस है? कला देवी ने सहज ढंग से कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल भी अफसोस है। मैंने उस समय वही किया जो ठीक था और जो मेरा कर्तव्य था। अंजलि उस स्त्री कैदी की आंखों में एक अटूट आत्मविश्वास देखकर हैरान हुई। उसने कहा, क्या आपको बेटे की हत्या का जरा भी अफसोस नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपने अपना पाप छुपाने के लिए अपने जवान बेटे को मारा था? कला देवी की आंखों में क्रोध उतर आया और वो बोली, आप भी एक औरत हैं और आप मेरी बातों को शायद ठीक से समझ सकेंगी। उस समय मेरा बेटा रमन 20 बरस का हो चुका था। मेरे पति पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। हमारे पास काफ़ी जमीन और जायदाद थी, पैसे की कमी नहीं थी। मैं अपने बेटे को खूब पढ़ा लिखा कर एक बहुत अच्छा इंसान बनाना चाहती थी, परंतु किस्मत में कुछ और ही लिखा था। हमारे रिश्तेदार हमारी जमीन और संपत्ति पर अपनी निगाहें गड़ाए बैठे थे। उन्होंने मेरे बेटे को गलत रास्ते में डाल दिया। वो शराब पीने लगा और गांव की बहू बेटियों से बदतमीजी भी करने लगा। उसने कई बार कई जवान लड़कियों की इज्जत पर भी हाथ डालने की कोशिश की थी। मुझ तक उसके कुकर्मों की खबरें पहुंच जाती थी। पहले तो मैंने सोचा कि लोग मेरे बेटे को शायद ईर्ष्या के कारण बदनाम कर रहे थे, परंतु बाद में मालूम चला कि वो सब सत्य था। कुछ महीने के बाद तो गांव की बहुत सी लड़कियों ने खुद आकर मुझसे मेरे बेटे की शिकायतें करनी शुरू कर दी। एक दिन मुझे अपने खेत में से ही एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उस लड़की के कपड़े तार तार हो चुके थे और वह किसी तरह अपने तन को ढकने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरा बेटा भी खेत में से बाहर आया। मैं जल्दी से मुड़ी और घर चली गई। शाम को मुझे मालूम चला कि वो लड़की जिसके साथ मेरे बेटे ने खेत में मुंह काला किया था, फांसी लगाकर मर गई थी। देर रात को मेरा बेटा नशे में धुत घर आया। मैंने उसको बहुत गालियाँ दी और उसको उस लड़की का हत्यारा तक कह दिया। मेरे बेटे ने गुस्से में मुझे कहा, मर गई तो मैं क्या करूँ, क्या तेरी बेटी थी? मेरे तन बदन में आग लग गई और मैंने रसोई से दराती लाकर उसका गला काट दिया और फिर अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। अंजलि ने कहा, परंतु पुलिस की रिपोर्ट में तो लिखा है कि तुम्हारे एक पुरुष के साथ अवैध संबंध थे और उसको छुपाने के लिए तुमने अपने बेटे की हत्या कर दी। तुमने ये बात अदालत में मान भी ली थी? कला देवी ने बहुत ही सहज भाव से कहा,
मैडम अगर मैं अपने बेटे के कारनामे अदालत में सुनाती तो शायद मेरे बेटे के द्वारा सताई गई लड़कियों को भी अदालत में बुलवा लिया होता और उन लड़कियों की बदनामी होती। मेरे बेटे ने बहुत सी लड़कियों की इज्जत लूटी थी, वो बेचारी चुप रही थी, सिर्फ मुझसे ही शिकायत की थी। अगर मैं उनको सच बताती तो उन बेचारी लड़कियों को भी गवाही के लिए अदालत में बुलाया जाता और उनका जीवन भी कलंकित हो जाता। बलात्कार हो चुकी लड़कियों से फिर कौन शादी करता। मैंने तो अपने गांव की बहू बेटियों की इज्जत बचाई और कह दिया कि मैंने अपने अवैध संबंध को छुपाने के लिए अपने बेटे को मारा था। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए थे। वैसे तो वो एक बहुत ही कठोर जेल अधीक्षक कही जाती थी, परंतु इस कला देवी की कहानी ने तो उसको भी रुला दिया था। कला देवी उठकर जाने को ही तो अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंजलि ने कहा, कला देवी तुम्हारी सजा पूरी हो चुकी है, तुम मेरी बड़ी बहन की तरह हो, आज से तुम मुझे छोटी बहन मान सकती हो। अगर तुमको तुम्हारी छोटी बहन कहे कि तुम उसके साथ उसके घर में चलकर रहो तो क्या तुम इनकार करोगी। कला देवी फटी फटी आंखों से अंजलि को देखती ही रह गई। अंजलि ने आगे बढ़कर उस कैदी स्त्री को बाहों में भर लिया। मित्रों बहुत कम पुलिस अफसर ऐसे होते हैं जो कैदियों के वास्तविक दर्द को सुनने का साहस करते हैं। वर्दी की अकड़ उनको इतना घमंडी बना देती है कि वो सामान्य लोगों को इंसान ही नहीं मानते। अंजलि जैसी अफसर अगर और भी हो जाए तो समाज का थोड़ा तो भला हो ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।